ये 3 BHK है पूरा, हाँ, और 1500 square feet, और यहाँ पे मैंने वॉल अभी डिज़ाइन नहीं करा, वो मैं भूल गया, ये एंट्रेंस है, ये बाथरूम है, ये जिनको मैंने हैच कर रखा है। तो ये प्रोजेक्ट वो है जो आपने अभी स्टार्ट करना है, दिस इज अ फ्रीलांस प्रोजेक्ट? यस सर। अच्छा, तो दिस इज, ये मेरा फर्स्ट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है कंप्लीट। जी। एरिया कितना है ये लगभग? ये वैसे 150 गज एरिया है। हाँ, 150 गज में आपका 3 BHK है। ठीक है, तो अब यहाँ एंट्रेंस है, तो इस एंट्रेंस के बाद ये सारे एरियाज को आप एक्सप्लेन करो। ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस के बाद ये हमारा पूरा ड्राइंग एरिया हो गया। ओके। ये हमारा किचन एरिया हो गया। ये बालकनी, इसमें हम यूटिलिटी एरिया बनाएंगे। ओके। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, यहाँ अलमीरा है, यहाँ से एंटर करते ही हमारा पूरा मास्टर बेडरूम हो गया। ये मास्टर बेडरूम का बालकनी है, ये वॉशरूम है इसका, अटैच वॉशरूम। देन यह छोटी सी एक लॉबी है जिसके अंदर से हमारे 2 रूम जा रहे हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। ये हमारा एक सेकंड रूम है, ये जिसकी अपनी एक पर्सनल बालकनी है, अपना पर्सनल अटैच वॉशरूम है। देन ये और इसमें क्या ये बैक साइड में ओपन है? ओपन है पूरा। और इस साइड है ब्लॉक्ड है? दोनों साइड ओपन है। अच्छा, इस साइड में भी ओपन है? इस साइड में भी ओपन है, इधर विंडो नहीं है। हाँ, ये अपना मेन रोड हो गया। ये भी ओपन है, ये पार्क एरिया हो गया, ये पार्क एरिया है। और इस साइड में ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। और इस साइड में ये ब्लॉक है, ब्लॉक है। सो ये फ्लैट है या फ्लैट है? फ्लैट है। फ्लोर कौन सा है? फ्लोर ये थर्ड फ्लोर है। थर्ड फ्लोर है। तो ये रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, दिस इज हॉल एंड ओपन किचन। ओपन किचन, ठीक है। और ये एरिया ग्राउंड पे है? ये वॉशरूम है, वॉशरूम अटैच, ये कॉमन वॉशरूम है इस रूम का और इस रूम का। ओके, ग्रेट। तो आपके प्रपोजल क्या हैं? अब आप प्रपोजल बताएं मुझे, दिखाएं इसमें। ये हमारे प्रोजेक्ट हमारा रेसिडेंशियल है, लोकेशन इसकी फरीदाबाद में है। ओके। क्लाइंट मिस्टर सचिन एंड मिस दीप्ति है। ओके। एरिया कौन सा है फरीदाबाद का? फरीदाबाद का गुड़गांव टच है। गुड़गांव फरीदाबाद के उस पर आता है बॉर्डर पे, फिर देन गुड़गांव स्टार्ट हो जाता है। ओके। जी, तो ये क्लाइंट हैं आपके। ओके, अब हम आगे चलेंगे, देखते हैं कि आपने क्या प्रपोजल रखा है। प्रपोजल, ये मैंने कलर थीम रेडी करी है, न्यूट्रल कलर्स इसमें रेडी करें। ये जो आप ये बीच में वाले कलर्स देख रहे हैं, हम बेबी रूम में देंगे, क्योंकि बेबी में थोड़ा कलरफुल दिखाते जाएं साथ में। ये बेबी रूम, अब इसका उनका एक बेटी है उनकी छोटी सी, तो हमने उसका रूम इस कलर्स का डिज़ाइन कराया अलग रूम में, ये बेबी रूम रखा है हमने इसका। अच्छा, तो आपने इसके लिए डिज़ाइन कौन सा कलर रखा है? ये कलर रखे हैं बेबी रूम के लिए। ठीक है जी। बाकी हमारे रूम्स में और हॉल में हमारे न्यूट्रल कलर्स होंगे, यहाँ पे हॉल में आपके और इस रूम में आप कह रहे हैं कि आप ये वाले कलर्स रखेंगे, ये कलर्स रखेंगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेट कौन सा कलर करेगा इनमें से? जैसे ऑलमोस्ट 6 कलर्स हैं जी, तो इस इन एरियाज में सबसे ज़्यादा डोमिनेट करने वाला, या प्रोपोर्शन की बात करें कि परसेंटेज वाइज किसको आप ज़्यादा डोमिनेंस कराओगे, और कौन सा रिसेसिव रहेगा या मतलब दबा हुआ रहेगा? डार्क कलर्स को हम कम यूज़ करेंगे, कम वॉल्स पे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आप बता सकते हैं यहाँ पे डार्क कलर कहाँ यूज़ कर रहे हैं? हम डार्क कलर जैसे हमारे यहाँ पे ये हमारा सपोज करिए ग्रीन कलर डार्क है ज़्यादा, तो हम इसको एज अ टेक्स्चर वॉल यूज़ करेंगे, हम इस वॉल पे यूज़ करेंगे। ओके ओके। ये हमारे सोफे के जस्ट पीछे वॉल होगी, और यहाँ पे ये वॉल हमारी खाली है, हम इस पे यूज़ करेंगे। ठीक है। इन दोनों पे सिर्फ हमारा डार्क कलर यूज़ होगा, बाकी पे हमारा लाइट कलर्स जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लाइट कलर्स में सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ हो रहा है? लाइट कलर में हम इसको यूज़ करेंगे ज़्यादा, इस कलर को यूज़ करेंगे वॉल्स पे। वॉल्स पे। ओके। फर्नीचर पे क्या प्लान है? फर्नीचर पे हम पॉलिश यूज़ करेंगे। कलर कौन सा? कलर स्कीम तो यही है ना, इसमें से आप कौन सा, उसके टेक्सचर अलग हो सकते हैं लेकिन कलर तो कलर स्कीम से ही लेंगे ना, या आप उसमें भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर रहे हैं? उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन है, लाइक ब्राउन टाइप हम उसको कर पॉलिश देंगे। और जो हमारा टीवी यूनिट बनेगा, डार्क ब्राउन, डार्क गोल्डन ब्राउन या लाइट गोल्डन ब्राउन? गोल्डन ब्राउन, गोल्डन ब्राउन दे रहे हैं। ओके। और जो हमारा टीवी यूनिट बनेगा वो हमारा थोड़ा ब्लैक उसमें कर बनेगा। ये टीवी यूनिट कहां पे है? टीवी यूनिट हमारा इस पे है, पूरे वॉल पे। ओके। तो सिटिंग प्लान में ये हमारा पूरा 15 फीट एरिया है टीवी यूनिट के लिए, उसमें पूरे पे हमारा बड़ा वाला टीवी यूनिट बनेगा। जैसे कौन सा टीवी यूनिट का प्रपोजल है?
हमारे टीवी यूनिट हमने एक मिनट आप या तो स्टार्टिंग से चले ना जिसमें कि आपने अभी एंट्रेंस दिखाया है। मैं पहले स्टार्टिंग से चलता हूँ, ये एंट्रेंस है हमारा, हमें एंट्रेंस भी क्रिएट करना है। उन्होंने कहा यहाँ पे नेम प्लेट्स हमारा लगाना है। ये एंट्रेंस आप कह रहे हैं कि यहाँ पे है एंट्रेंस? ये है एंट्रेंस, बाहर की तरफ है, वो मैंने इतने इसमें डिजाइन नहीं करा है, बाहर की तरफ एंट्रेंस, बाहर की तरफ एंट्रेंस है जी। तो ये प्रपोजल है, ये प्रपोजल उन्होंने, हाँ उनको ये पसंद आया हमारे क्लाइंट को। उन्होंने कहा ऐसा कुछ टाइप का रखना जहाँ हम लाइट देंगे, उनका नेम प्लेट देंगे, बाकी हम राफ्टर्स यूज करेंगे साइड गेट के साइड्स पे। अच्छा, ये जो कॉन्सोल है कुछ ऐसा कॉन्सोल भी देंगे? ऐसा कॉन्सोल भी देंगे, उस कॉन्सोल में हम अपना शू रैक टाइप बनाएंगे। वो बंद रहेगा, उसको हम उस टाइप से यूज करेंगे और बाकी लाइट्स यूज करेंगे ताकि वो अट्रैक्टिव से लगे। मतलब आपके क्लाइंट ने ये वाला ये वाला डिजाइन पास करा है, ठीक है। इसके आगे फिर हम क्या कर रहे हैं? फिर हम जैसे हम एंटर करते हैं तो हमारे सामने बिल्कुल कॉर्नर पे इस साइड पे हमारा बार सेक्शन आ जाता है। अच्छा, ये हमारा बार सेक्शन आ गया। तो हमारे क्लाइंट, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव उनको लग रहा था हमारे क्लाइंट। प्रपोजल आपका ये था मेन? जी, हमारा मेन प्रपोजल यही था जो हमारे 1 लाख के आसपास जा रहा था, बट उन्हें ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा तो देन उन्होंने ये पसंद करा। सिमिलर टू दैट, हाँ। तो ये स्लीक सा डिजाइन उनको स्लीक सा डिजाइन। देन हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कर रहे हैं? फिर हमारा यहाँ पे हमने फिर इसका टीवी यूनिट का एरिया दिखाया हमने। तो टीवी यूनिट कौन सा है? टीवी यूनिट में हमने ये सोचा है पूरे ड्राइंग रूम में। उनको पसंद भी आया, बट उन्होंने कहा हमें अभी कैबिनेट्स नहीं चाहिए, तो आप इसको कुछ अलग तरह से स्टार्ट करना। तो हम एक साइड उसका ऐसे रखेंगे और एक साइड हम ब्लोवर्स या राफ्टर्स यूज़ करेंगे जिसमें से हम जिसमें हमारी LED लाइट्स होंगी। आप कह रहे हो कुछ ऐसा यूज़ करेंगे? कुछ, हाँ कुछ इस टाइप का, कुछ इस तरह का, हाँ एक साइड में, एक साइड, बाकी एक साइड हमारा ऐसे कैबिनेट्स टाइप बना हुआ होगा जिसमें ऐसा डिज़ाइन है। अच्छा, मतलब बॉक्सी फर्नीचर इधर होगा और इस साइड में आप ब्लोवर्स यूज़ करेंगे? ब्लोवर्स यूज़ करेंगे। ओके, सब में हमें LED यूज करना है। LED कोव करना है? LED कोव। ओके, एंड देन आफ्टर क्या जाता है? देन हमारा यहाँ पे डाइनिंग एरिया हम यहाँ बना रहे हैं इस साइड में। ओके, उसकी क्या प्रपोजल है? उसका प्रपोजल एक मिनट, ये डाइनिंग एरिया एंड मंदिर, वहाँ में मंदिर भी जाना। तो मैंने दो ऑप्शंस रखे हैं। अगर हम डाइनिंग एरिया के जस्ट साइड में हमारा किचन स्टार्ट हो रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा जस्ट ये रहा किचन है हमारा पूरा। ओके, डाइनिंग एरिया ये आ गया। तो ये जो कटआउट यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, ये तो यहाँ पे हमारा स्पेस है। ओके, अगर हम वैसे वो कह रहे थे कि हम पंडित से बात करते हैं, वो हमें लोकेशन बताएंगे कि कहाँ मंदिर बेस्ट होगा, ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए, ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, हाँ वो जब वो हमें बताएंगे। वैसे हमने दो जगह सोचा। बाय द वे, ये भी मैं भी पूछ लूँ कि ये वाला डायरेक्शन कौन सा है साइट पे, ये वाला साइड? ये साउथ डायरेक्शन है। ये साउथ है जी, तो ये नॉर्थ हुआ है ना जी। तो ये वाला साइड ये हमारा ईस्ट, इधर होगा ईस्ट, उधर होगा वेस्ट, ये वेस्ट साइड है जी। तो एंट्री इनकी वेस्ट साइड से है जी और ये साउदर्न साइड है। साउदर्न साइड है। ओके, साउदर्न साइड में ही उनका किचन है। किचन आइडियली होना किस साइड चाहिए था? साउथ ईस्ट। वास्तु का सोच जनरली इतना मेरे को लड़ा बेसिक बेसिक ठीक है। बेसिक आइडिया ये है कि जनरली ईस्ट डायरेक्शन में हो या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो, वेस्ट डायरेक्शन में नहीं होता है, लेकिन इनका है, ठीक है। तो हमने मंदिर या तो हमने यहाँ सोचा है या हमने टीवी यूनिट के जस्ट साइड में सोचा है, ठीक है। और डाइनिंग के बारे में क्या है? डाइनिंग हमने कुछ इस राफ्टर टाइप सोचा है जिसपे हमारा टफन ग्लास होगा और फोर सीटिंग होगी हमारी, जो पूरा ऊपर वॉल से वॉल पे भी होगा, कंटिन्यूड होकर पूरा नीचे तक फ्लोर तक आता है, जिसमें हमारे LED स्ट्रिप्स होंगे, जिसमें लाइट्स होंगे। ओके, प्रोफाइल LED लाइट वहाँ पे आप लगाने का प्लान कर रहे हैं जी। देन आगे क्या है? आगे हमारा किचन हमें बना मिल रहा है बट उसमें पेंट्री नहीं है, तो हम उसमें पेंट्री बनाएंगे। पेंट्री का मैंने प्रपोजल रखा उनके आगे, दो टाइप की मैंने पेंट्री रखी है, जिसमें एक में हार्डवेयर है, एक पूरा वुड का बना हुआ है। Okay. जो एक साइड क्या कहते हैं पुश करके भी ओपन होता है, एक दो साइड ओपन है और एक सामने से ओपन है, तो हमने ये रखा है उसके जस्ट आगे। हमारे आप कह रहे हो कि ये पुल आउट है और ये हमारा दो साइड हो गया, शटर बेस्ड है और ये ड्रॉअर बेस्ड है, ये ड्रॉअर मेड अप ऑफ वुड,
तो इनमें से सिलेक्शन किसका हुआ? इसमें से सिलेक्शन हमारा इसका हुआ। इसका हुआ जी। सो ये हार्डवेयर बेस्ड है? हार्डवेयर बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप क्या यूज़ कर रहे हैं? नेक्स्ट हमारा फिर यूटिलिटी एरिया आ जाता है। यूटिलिटी में तो जस्ट एक स्टोरेज पर्पज से है? स्टोरेज पर्पज से, जिसमें ऐसा कुछ आपका अपना मशीन हो जाएगा, फिर इसमें वॉशिंग मशीन है, वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन है, एंड देन हमारा ये स्टोरेज टाइप हो जाएगा। ओके, इसके अलावा इसी के ऊपर आप यहाँ पे ओवरहेड स्टोरेज देंगे? ओवरहेड स्टोरेज जो कि कुछ ऐसा होगा जी, मतलब इसमें कोई खास डिजाइन नहीं है, बस एक प्लेसमेंट ऑफ वॉशिंग मशीन एंड वॉश बेसिन। ठीक है, इसके बाद आगे क्या प्लान है? आगे प्लान इसमें फिर हमारा बेडरूम, मास्टर बेडरूम आ जाता है। मास्टर बेडरूम में क्या कर रहे हैं? मास्टर बेडरूम में हमने बेड्स इस टाइप के उनको दिए थे, जिसमें से उन्होंने ये बेड्स पसंद करे, जिसमें राफ्टर ज़्यादा यूज़ हो रहा है। Okay. उनको ये अच्छा लगा था, बट ये ज़्यादा एक्सपेंसिव जा रहा है, क्योंकि इसका जो पैनलिंग है वो एक्सपेंसिव लग रही है, वो जा रही है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे एलईडी बहुत ज़्यादा, एलईडी बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो क्या इस वाले लूवर्स में भी या बैटन्स के बीच में? हाँ, इनमें भी एलईडी है। एलईडी प्रोफाइल एलईडी लाइट लगाएंगे या कुछ स्पॉट लगाएंगे जैसे यहाँ लगा हुआ है? प्रोफाइल एलईडी लाइट भी लगेगी, स्पॉट भी लगेगी। अच्छा, दोनों ही लगेगी? दोनों लगेगी। ठीक है, इसके अलावा उस रूम में कुछ और भी है? उस रूम में हमारा यहाँ पे एक ड्रेसिंग एरिया, ये यहाँ पे हमारा ये वाली जो आप साइड देख रहे हैं ना, एल शेप, ये एल शेप में यहाँ पे ना ग्लास लगा हुआ है बड़ा सा, एल शेप में, ये पूरा ओपन है। अच्छा, यू मीन टू से यहाँ पे कॉर्नर विंडो है? कॉर्नर विंडो है लंबी सी, जिसपे आपके कर्टन, हाँ, जिसपे आपके उन्होंने कर्टन का पूरा एरिया दे रखा है सीलिंग से। तो यहाँ पे लेकिन हम इस साइड हम कर्टन नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ इस साइड कर्टन लगाएंगे। ओके जी, ये जो हमारा एरिया बच रहा है ना यहाँ, यहाँ हम ड्रेसिंग एरिया बना रहे हैं। ड्रेसिंग, तो ड्रेसिंग में आपने कोई डिज़ाइन सोचा है? जी, डिज़ाइन मैंने सोचा, ये मैंने दो डोन के सामने ऑप्शंस रखे थे, एक मैंने ये रखा था, एक मैंने ये रखा था। तो मैम कोई फुल लेंथ वाला जो मिरर, कटआउट मिरर है, हमको ये पसंद आया, तो हम कुछ इस टाइप का वहाँ पे एरिया बनाएंगे। लेकिन वहाँ तो स्पेस काफ़ी कम दिख रहा है, तो ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, ये हमारा 3 फीट का एरिया है, 3 फीट का एरिया है, लेकिन ये कर्वेचर तो बहुत ज़्यादा मांग रहा है ना। आप अगर इसको देखते हैं तो अगर ये 6 फीट है तो यस ऑब्वियसली इट विल टेक 3 फीट एरिया कर्वेचर के लिए ही, क्योंकि अगर ये कंप्लीट डाया 6 फीट है तो रेडियस 3 फीट, तो ये एक्सटेंशन नहीं निकल पाएगा, एक्सटेंशन नहीं निकल पाएगा, हम उसको जस्ट उसके ऊपर ही रखेंगे। ओके फाइन। ओके, फिर इसके बाद है हमारा बालकनी। आपके स्कोप में बालकनी है और बाथरूम भी है या नहीं? बाथरूम नहीं है बिल्कुल, इसलिए मैंने उनको हैच करके उनको एक तरह से ब्लॉक कर दिया। ओके, बालकनी है मेरे स्कोप। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखे ना जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं, तो आप इसमें टेक्स्ट का इस्तेमाल करें, नॉट इन माय स्कोप, नॉट इन आवर स्कोप, ना इस तरीके से। आपको ये भी समझना है कि क्या हम एब्रिविएशंस यूज़ करते हैं जो कि हमारे स्कोप में नहीं होता, तो हमें क्या लिखना है, हमारे स्कोप में है तो क्या लिखना है। तो जब भी आप इस तरह के प्रपोजल्स लेके जाएं, तो आपको ये भी ख्याल रखना है कि हमारी ड्राइंग कम्युनिकेट कर रही हो ठीक से, वो क्लाइंट को भी समझ में आए और आपके कंपनी में जो स्टाफ्स हैं या आपके कलीग्स हैं या आपके पार्टनर्स हैं उनको भी समझ में आए। ठीक है, तो बालकनी में क्या कर रहे हैं आप? बालकनी ये हमारा स्लाइड डोर है, ग्लास का स्लाइडिंग डोर है, ग्लास का। इधर भी तीनों बालकनी में हमारे ट्रांसपेरेंट ग्लासिंग डोर हैं, स्लाइडिंग वाले। तो इसमें ये एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ? एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ, ये आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, लोग जैसे ये ना एल्यूमिनियम फ्रेम में, हाँ, ऐसी टाइप के बने। ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने बालकनीज, ये मैंने उनके सामने 4 ऑप्शन रखे थे कि आपको मार्बल लुक में चाहिए या आपको फ्लोरल लुक में चाहिए, और ये इसका थोड़ा फ्लोरिंग हम इस टाइप का रखेंगे। ओके, या आपको बैटन लुक में चाहिए, ये 2 फ्लोर मैंने इस टाइप के रखे थे, ऐसा ये कैसा, तो उनको ये पसंद आया। ओके, उसकी फ्लोरिंग भी उनको याली पसंद आई है, तो उनको आर्टिफिशियल यहाँ पे आप वॉल माउंट हम फ्लोरिंग थोड़ा वही देंगे, फ्लोरल टाइप। अच्छा, ये फ्रेम पे आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स एंड ग्रास और प्लांट्स वगैरह लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब इस रूम में आते हैं, तो यहाँ पे क्या? सेकंड रूम में हमारा बेड है,
टीवी यूनिट है वो आपको मैंने ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। बेड का ओरिएंटेशन किधर है? बेड का ओरिएंटेशन हेडबोर्ड के साइड, हेडबोर्ड इस साइड है। ओके फाइन जी। इसका मास्टर मास्टर बेडरूम का हमारा इधर हेडबोर्ड है, हम ऐसे ऐसे फेसिंग कर रहे हैं। ओके। और ये जो सेकंड रूम है इसका फेसिंग इधर है, हेडबोर्ड इसका इधर है। तो यहाँ पे सर्कुलेशन प्रॉब्लम नहीं आएगी? नो, कोई सर्कुलेशन प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका क्या डिज़ाइन सोचा आपने? इसका वैसे हम सेम बेड रखेंगे जैसा मास्टर बेडरूम में रख रहे हैं, बट इसमें हम इतना पैनलिंग यूज नहीं करेंगे। ओके। इसका हमारा जैसे हमारे स्टैंडर्ड साइज 3 फीट तक होता है बेड, बेड का, तो हम इतने रखेंगे इसको बेड। 3 फीट यू मीन ये विड्थ की बात कर रहे हैं आप, किसी और चीज के बारे में? मैं हाइट की बात कर रहा हूँ। ओके, हाइट ऑफ दी हेड, हेडबोर्ड जी। ओके, तो हम उसको सिंपली रखेंगे, हम उसमें हम कोई पैनलिंग नहीं कर रहे। वो रूम, वो याला जो हमारा सेकंड रूम है वो एज अ गेस्ट के लिए यूज करेंगे वो, क्योंकि अच्छा, तो इसमें मिनिमल डिजाइन है। मिनिमल डिजाइन है इसका। इसका टीवी यूनिट भी हम इतना ज्यादा वो नहीं बना रहे, बस ओके बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इतना कुछ नहीं है। अच्छा, अब इस रूम में, इस रूम में किड रूम में आ जाते हैं। तो किड्स रूम में बेड का हेड इस साइड रख रहे हैं हम, इसकी फेसिंग हम इधर रख रहे हैं। ओके। और यहाँ हम उसका स्टडी टेबल बना रहे हैं। अच्छा जी, तो प्रपोजल क्या है? प्रपोजल बेबी रूम हम इस टाइप का बना रहे हैं। उनके सामने मैंने ऑप्शंस रखे थे, बंक बेड, सिंपल बेड। तो उनको बंक, बस सिर्फ इनकी एक ही डॉटर है, वो कहने लगे कि बंक बेड अभी हमें चाहिए नहीं, तो बंक बेड अब रहने दीजिए। तो उन्होंने, तो आपने उनसे ही नहीं बोला कि आर यू मस्ट बी प्लानिंग? मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मना कर दिया। उनकी वाइफ भी बोल रहे थे कि नहीं, कजन्स आते हैं, उनके बच्चे अच्छे खेलते हैं, तो हम बंक बेड यूज़ कर लेते हैं, बट सर ने मना कर दिया कि नहीं, उसमें रिस्की होता है। तो उनकी जिनकी जो डॉटर है थोड़ी ज़्यादा एक्टिव है, तो इसलिए उन्होंने ये फॉर्म के हम उस पीछे डिज़ाइन बनाएंगे, उन्होंने पहले इस चीज़ को बोल दिया कि हम थोड़ा वहाँ पे सेफ, सेफ्टी पर्पस से यहाँ पे हम कुशनिंग करेंगे, कुशनिंग करेंगे सारा फॉर्म का ज़्यादा। ओके ओके, तो उसका इस टाइप का उन्होंने बेडरूम सोचा है, जिसमें हम उनको ये स्टडी टेबल पसंद आया, तो हम ये स्टडी पूरा स्टडी एरिया बनाएंगे यार। अच्छा, तो स्टडी के लिए ये सिलेक्शन हुआ जी, बेड के लिए ये जी। तो इसमें ऑल वॉल्स टू बी कवर्ड विद कुशन जी। अच्छा, फ्लोर में क्या कर रहे हैं यहाँ पे? फ्लोरिंग वहाँ पे पहले मार्बल हुआ हुआ है, तो वही रहेगा। अच्छा, उस पे रग्स वगैरह रखेंगे? रग्स रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी कोई एरिया रह जाता है इसमें? नहीं, ये सब कंप्लीट। ठीक है, तो ये आपने जो स्केच बनाया है इसको और भी लेजिबल क्लियर बनाते, यहाँ एरो से इंडिकेशन देते, तो आप हमेशा याद रखे एनोटेशंस, सिंबल्स, टेक्स्ट, इमेजेस, इन सब की हेल्प लें। जैसे आपने इमेज दिखाया अभी, ये सारी इमेजेस जो दिखा रहे हैं आप, इससे क्लैरिटी आ रही है जी। लेकिन ड्राइंग में क्लैरिटी की कमी है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप क्लाइंट के पास जाएं, तो इसको और क्लियर करके जाएं, ठीक है? okay. इसमें जो रिक्वायर्ड टेक्स्ट हैं, नोटेशंस हैं, उनको पूरा रखें। इससे क्या होगा कि आप इंटरनल कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं जी, तो आसानी होगी। इसमें कार्डिनल डायरेक्शंस दिखाना भी इम्पॉर्टेंट होता है कि किस साइड से रेडिएशन है, किस साइड में रेडिएशन नहीं है, उस रेडिएशन को काउंटर करने के लिए भी क्या क्या आपने उपाय करे हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है स्टेम बेस्ड डिज़ाइन कोर्सेज। स्टेम बेस्ड डिज़ाइन कोर्सेज कुछ भी नहीं है, एक तरीका है, एक मेथड है, जिसमें टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी को बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है। तो जब आप स्टेम बेस्ड कोर्स हमारे यहाँ से करते हैं, तो इससे आपकी ड्राइंग में और भी निखार आता है। आप हर उस पॉइंट को अपने स्पेस प्लानिंग में लेते हैं जो नॉर्मल डिज़ाइन कोर्सेस में या डेकोरेशन कोर्सेस में अवेलेबल नहीं होता है। इसमें जो टेक्निकल एस्पेक्ट होता है वो नेचुरल लाइट होता है, वेंटिलेशन होता है, आर्टिफिशियल लाइटिंग है, मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या आपके हेल्थ के लिए सेफ है या नहीं।
सो जो चीज़ें नेचर में हैं उसको डायरेक्टली यूज़ किया गया हो बिना केमिकल ट्रीटमेंट के तो आपके लिए हेल्दी होता है। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं जैसे प्लास्टिक और इस तरह की चीज़ें या पॉलिशिंग मटेरियल, उसके अंदर में इवन प्लाइज, बोर्ड्स, SDHMR, लैमिनेट्स, इनसे VOCs निकलते हैं, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो दोज कंपाउंड्स कुड बी अनहेल्दी। इसके अलावा फॉर्मल्डिहाइड है, ज़ाइलीन है, टॉलीन है, बेंजीन है, तो इन केमिकल्स के रिलीज ना हो इंटीरियर स्पेस में, हाउ टू काउंटर दैट हम अपने स्टेम कोर्सेस में आपको बताते हैं। तो स्टेम कोर्स की जो इम्पोर्टेंस ये है कि आप किसी स्पेस को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एंड हेल्थ के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं। उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़, बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ होता है। इस तरीके से आप एक कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। सो इस प्रोजेक्ट में आप स्टेम टेक्निक यूज़ करोगे तो आपके क्लाइंट को और भी एक प्रोजेक्ट पसंद आएगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्टेम के पॉइंट्स जो आपने सीखा है और जो नहीं सीखा है उसको आगे सीखो और उसको इम्प्लीमेंट करो। अगर इस प्रोजेक्ट में कंप्लीट नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आप 100% स्टेम बेस्ड कोर्स जो आप करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे आप। सो इट वॉज ऑल अबाउट अ लाइव प्रोजेक्ट बाय वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हु हैज जस्ट ज्वाइंड, दैट इज़ वाई ही इज लैकिंग दिस स्टेम बेस्ड टेक्निक इन द प्रोजेक्ट, बट ही विल बी यूजिंग इन द सेम प्रोजेक्ट इन फ्यूचर। आई विल गाइड हिम थ्रू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।